हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है जी सभी का अपने चैनल स्पाइसी रिएक्शन पर। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है जी क्या, इनसाइड मनाली मोस्ट आइकॉनिक रिवर साइड लग्जरियस रिसॉर्ट्स निरालया इंप्रेशंस एंड कंप्लीट टूर। ओके, वी होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली रीजन, ये रीजन अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए तो फेमस है ही, मगर साथ ही ये फेमस है यहाँ पर लोकेटेड लग्जूरियस कंट्रीसाइड रिसॉर्ट्स के लिए। निराल्या, लाइफ एज इट शुड बी। निराल्या रिजॉर्ट पूरे कुल्लू मनाली रीजन का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और लग्जूरियस रिजॉर्ट्स में से एक है। और इस रिजॉर्ट को और भी खास बनाती है इसकी लोकेशन, जो कि लोकेटेड है रिवर ब्यास के किनारे पर। निराल्या रिजॉर्ट एक ग्रीन इको रिजॉर्ट है जिसकी सारी कंस्ट्रक्शन की गई है रिसाइकल टिम्बर, स्टोन और स्लेट्स को यूज करके। आज की इस वीडियो में हम निराल्या रिजॉर्ट की खूबसूरती और यहां पर ऑफर की जाने वाली सारी फैसिलिटीज को जानेंगे। तो निराल्या रिजॉर्ट के वर्चुअल टूर पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। निराल्या रिजॉर्ट रिवर ब्यास के राइट बैंक पर रायसन नाम की जगह में लोकेटेड है। अकोमोडेशन की बात की जाए तो सूरी ऑर्चर्ड्स के बहुत बड़े एरिया में लोकेटेड निराल्या रिजॉर्ट, यहाँ पर आपको 3 प्राइवेट विलास देखने को मिलेंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन काठकुनी स्टाइल में की गई है। और साथ ही यहाँ पर सेपरेट 7 बेडरूम्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और इन सभी स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन रिसाइकल टिम्बर, स्टोन और स्लेट को यूज करके ही की गई है। निराल्या वर्ड का मतलब होता है एन अबोर्ड बाय द रिवर। तो अगर आप भी अपने मनाली हॉलीडे के टाइम पर इस लग्जूरियस रिवर साइड रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं इस रिजॉर्ट की फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए और साथ ही एक ग्लिम्प्स लेते हैं यहाँ के रूम्स का भी। निराल्या रिजॉर्ट में आपको एक डेडिकेटेड रिक्रिएशनल जोन देखने को मिलेगा जहां पर अपनी पसंद का स्पोर्ट आप एंजॉय कर सकते हैं। निराल्या का रिक्रिएशनल जोन बहुत ही आर्टिस्टिक वे में डिजाइन किया गया है और अगर आप निराल्या में स्टे करते हैं तो यहां की सभी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट की परमिसेस के अंदर आपको बहुत सारे फार्म फ्रेश फ्रूट्स खाने का मौका भी मिल सकता है। इस रिजॉर्ट में आपको स्टे के लिए रूम्स की काफी सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी और इन सभी की कंस्ट्रक्शन काठकुनी स्टाइल में की गई है जिसमें कि यूज किया जाता है सिर्फ स्टोन और वुड का, इसमें कोई ब्रिक्स या कोई और मटेरियल यूज नहीं होता। यहाँ के रूम्स आपको स्पेशियस और सभी फैसिलिटीज से भरपूर तो मिलेंगे ही, लेकिन इस प्रॉपर्टी को जो चीज खास बनाती है वो है इनके रूम्स का हिमाचली आर्किटेक्चर। यहाँ के रूम्स में जब आप रुकेंगे तो आपको किसी हिमाचली घर में रहने का एहसास होगा।
आप निराल्या के चाहे किसी भी कैटेगरी के रूम में रुक जाएं। एक एलिमेंट जो सभी रूम्स में कॉमन रहेगा वो है नेचर से क्लोजनेस। निराल्या में आपको डाइनिंग के लिए भी बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इंडोर रेस्टोरेंट डाइनिंग, रिवर साइड डाइनिंग और ओपन एयर गार्डन डाइनिंग। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट के मेन्यू में मल्टी क्यूजीन खाना खाने को मिल जाएगा। तो ये हमारी वीडियो निराल्या द मोस्ट लग्जूरियस रिवरसाइड रिजॉर्ट ऑफ कुल्लू मनाली का एंड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अच्छा, ये इधर सिर्फ टूरिस्ट के लिए है? रेजिडेंशियल भी लोगों के अपने घर भी तो होंगे साथ, कुछ कुछ लोग रहते होंगे ना? हाँ, साथ में कोई और साइड पे होंगे। ये तो इन्होंने रिजॉर्ट की जगह बनाई है ना सारी। हाँ, ये तो सारा रिजॉर्ट है और काफी बढ़िया है, मतलब अच्छी फीलिंग के दरख्तों के बीच में बिल्कुल जंगल में, ये जंगल बाग है, मुझे लगता है पूरा बाग बनाया है उन्होंने। जंगल का व्यू भी पूरा आ रहा है और साथ में रिवर भी है, ब्यास भी है, वो भी बिल्कुल पास से। अच्छा, इधर ये जो शोर होता है ना पानी का, वो सुनने का मजा है। तो लगी व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट टू आजाद कश्मीर, तो वहां पर जो था ना रिवर जो था दरियाए नीलम उसको बोलते हैं, और हमारा जो हम रात को वहां पे हमने स्टे किया तो होटल जो था ना, हमें आइडिया नहीं था कि नीचे रिवर है। हमने होटल लिया तो शोर आ रहा हो पानी का, मतलब हम जब बाहर निकले रूम से तो ऊपर चले गए तो पता लगा कि यार क्या रिवर चल रहा है नीचे से, क्या खूबसूरत व्यूज है। अच्छा, मेरे साथ रात में ना 2-3 दफा हुआ, मैं ऐसे अंदर हम लेटे हुए हैं ना, अब रूम बंद है तो वॉशरूम वाली साइड से जो है ना वो वॉइस आए उधर से, मैंने कहा यार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं दो दफा बाहर गया, बाहर देखा कोई चीज नहीं, फिर वो रिवर का जो शोर है ना वो आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि इतनी तेज बारिश हो रही है ना बाहर, तो जैसे पानी पानी हुआ पड़ा है। सवात में वहां पर भी वहां पर तो मतलब रिवर के साथ लोग जो है वो जो टूरिस्ट होते हैं स्पेशली वो ऐसी जगह पर एंजॉय करते हैं। जहाँ पे कुर्सी और चारपाई रखी हुई है वहाँ पे बैठने, अभी ये तो कुछ नहीं, इस टाइम तो हम उस रूट पे गए नहीं है ना आप लोगों के साथ। तुमको याद होगा कि जब हम इजाज भाई और हम तुम मैं हम सारे गए थे नारायण ककान वाली साइड पर, तो जब हम वापस आ रहे थे तो बालाकोट के पास तुमने शायद देखा होगा कि हम रिवर के अंदर बैठे हुए थे, याद है? चार पाइयां अंदर वो चाय पी थी हमने वहां पे, तो वो बहुत ही अच्छा भी, मतलब उन्होंने रिवर के अंदर इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, चेयर लगी हुई है, अब अंदर बैठो जूता उतारो रिवर के अंदर चले जाओ, पानी ठंडा ही होना है मतलब उधर, तो उधर तो पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है पानी के अंदर, मतलब आप नीचे से दरिया चल रहा है रिवर चल रहा है उसके अंदर ही आपका रेस्टोरेंट है, आप खाना खाओ नीचे से पानी जा रहा है, हमने खाना खाया था हाथ उधर से धो रहा हूँ, और मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये है कि कभी मौका मिला तो जरूर मतलब इस तरह की जगह जो है वहां पर विजिट करेंगे। बिल्कुल, बाकी बढ़िया वीडियो था, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वॉकिंग वंडर वालों वंडर का वीडियो है ये, और बाकी दें इजाजत, रखें अपना ख्याल।